धनतेरस पर रात भर रही लाइट बंद, कोर्ट रोड के व्यापारी हो रहे हैं परेशान। शिवपुरी में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा कार्य बहिष्कार के चलते आज रात भर कोर्ट रोड की लाइट गुल रही। रात 9 बजे से अभी तक कोर्ट रोड पर लाइट नहीं आई है। व्यापारियों ने सभी जगह शिकायत दर्ज की, 181 पर भी फोन लगाया, मगर विद्युत कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते कोई भी कर्मचारी लाइट सुधारने के लिए नहीं आया। आज धनतेरस का त्योहार है और कोर्ट रोड की पूरी लाइट बंद है। व्यापारी परेशान हो रहे हैं और प्रशासन और विद्युत विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों को कहना है कि इतने बड़े त्योहार पर भी अगर लाइट गुल है तो ऐसा कैसे चलेगा। बर्तन व्यापारी मुकेश वशिष्ठ ने कहा, हम लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने को भी तैयार नहीं है, प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। धनतेरस के त्योहार पर लाइट नहीं आने से व्यापारियों में भारी रोष देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश वशिष्ठ। क्या समस्या है आपकी? कल से 9 बजे से लाइट नहीं आ रही है और 10 बार सब लोगों ने फोन कर दिया, पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर जहाँ जहाँ तक कर सकते हैं नेताओं से सब लोगों ने कर दिया, 1-800-1200 जो भी होता है, लेकिन कोई के कान में छूटक नहीं देंगी अभी तक। और धनतेरस का दिन है और बर्तन व्यापारियों की पूरों की लाइट नहीं आ रही। अगर दिवाली लाइट रोज जाती है कि आज ही गई है आपको? प्रशासन बाजी कर रहा है, अभी आती है, घंटे में आ रही है, घंटे में आ रही, तो कोई लाइट नहीं आई 9 बजे से आज 9 बज रहे हैं। आपने शिकायत चालू कर दी, अगर आप कहीं सब जगह बिल्कुल मत लेवल तक जाने को भोपाल तक कर दे, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। आप इसका त्यौहार है दिवाली का, धनतेरस का है, भारत देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, आप इसी दिन लाइट की परेशानी कर रहे हो, ये चाल है, षड्यंत्र है। आप किसे बोल हिंदुओं को भड़काने की नौबत है ये? क्या आप दिवाली में सकते हैं? आप दिवाली भारत देश का कितना बड़ा त्यौहार है आप भी जानते हो। आज तीन रोज लाइट नहीं आ रही।